हर व्यक्ति के जीवन में अगर माता पिता के बाद किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा महत्व होता है तो वो शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षक ही अपने छात्रों को समाज में आगे बढ़ने की काबिल बनाता है। और आज भी हमारे समाज में कई शिक्षक ऐसे हैं जो समाज को शिक्षित करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है करनाल के रहने वाले शिक्षक जयकरण शास्त्री, जो जाड़ी गांव के राजकीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद हर रोज शाम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हांसी रोड पर रेलवे फ्लाईओवर के नीचे उम्मीद की पाठशाला चला रहे हैं। और वो हर रोज यहां जरूरतमंद बच्चों के लिए 2 घंटे की पाठशाला चलाते हैं। इस नेक काम में उनकी पत्नी भी सहयोग करती हैं। इस पाठशाला में आज 5 शिक्षक जरूरतमंद बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। इस उम्मीद की पाठशाला में करीब 130 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। करनाल के रहने वाले शिक्षक जयकरण शास्त्री ने कहा ना है कि कोरोना के समय बहुत से बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उस समय उन्होंने उनकी पत्नी ने उम्मीद की पाठशाला शुरू करने का फैसला किया था, ताकि हर जरूरतमंद बच्चा शिक्षा ग्रहण करके समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। फ्लाईओवर के नीचे पढ़ने वाले बच्चे भी अपने टीचरों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। इस पाठशाला में पढ़ रही 7 साल की कोमल को 31 तक के पहाड़ याद हैं, और उम्मीद की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या किसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, कि उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए हमने 3 जुलाई 2021 से उम्मीद पाठशाला शुरू की थी। ये बेचारे जरूरतमंद बच्चे हैं, इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये शिक्षा के बिना इनका भविष्य कैसा होगा, ये सोच के हमने इनको पढ़ाने का काम शुरू किया था। हमने हमारी ये उम्मीद पाठशाला है, हमने ये पाठशाला 3 जुलाई 2021 में स्टार्ट की थी, और हमने ये 2 बच्चों से स्टार्ट की थी। जब कोरोना टाइम था तो हमने यही सोचा था कि ये गरीब बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, ना इनका स्कूल में एडमिशन करवाते, क्योंकि ना इनके पेरेंट्स इतने जागरूक होते, तो इन्हें हम स्पेशल घर से लेके आते थे बुला बुला के। और हमने हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने मिलके ही अपना ये स्टार्ट की थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना, और मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो ये हमारी उम्मीद पाठशाला है, ये 3 जुलाई 2021 को स्टार्ट करी गई थी। जब ये स्टार्ट करी थी तो 120-130 बच्चे नहीं थे, तब तो सिर्फ 3 या 4 बच्चे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे इनको पता चला कि हाँ कि हमें पढ़ाने वाला कोई आ गया है, तो ये हमारी उम्मीद पाठशाला से मतलब ज्वाइन होते गए। तो आज हमारी उम्मीद पाठशाला में 130 से 140 बच्चे हो गए हैं। अच्छे बच्चे बनना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है, आपस में हम कभी न लड़ते तोड़ फोड़ हम कभी न आपस में हम कभी न लड़ते तोड़ फोड़ हम कभी न अनुशासन में रहना हमको अच्छा लगता है, दीन दुखी की सेवा करना अच्छा लगता है।